डीसी ऑफिस पहुंच में धरना दिया गया है। बड़े अग्रेसिव मोड में डीसी इमरान साहिबान लग रहे हैं। दुख भी है, लोगों की भी शिकायत आ रही है। लोगों के रिप्रेजेंटेड होने के नाते आप किस तरह सोच रहे हैं कि मुगल शाहरा खुलनी चाहिए? हाँ, देखिए, आपको याद होगा कि परसों ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने इन वेरी लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में एक मैसेज दिया था। जितनी भी इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है, बी इट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल और ऊपर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हमारी मुगल रोड जो है, जो बगैर किसी रीजंस के उसको बंद किया गया है, उसे जो है खोला जाए। और उसमें कहने का यही हमारा जो क्रक्स था वो यही था कि हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हमारे जो कोविड पेशेंट्स हैं, हमारी जो और किस्म की हेल्थ इमरजेंसीज हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं या कोई स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग वहाँ फंसे हैं या कुछ और इस तरह का कोई अर्जेंट जो होता है, तो उसको जो है उनको जो है अलाउ किया जाए इस रूट से, कि ताकि वो लोग आमदोरफ्त कर सकें और अपने नियर्स एंड डियर्स से, या जो किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएगा तो उसकी जान बच सके। आपने देखा है कि पुंछ रजौरी में कितना हेल्थ केयर सिस्टम हमारा इम्प्रूव है, जहाँ पर दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस, दे आर जो हेल्थ केयर बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें एम्स है, जिसमें सफदरजंग है, जिसमें और बड़े बड़े नाम हैं, तो वो अपने घुटनों पर आ गए। तो हमारे यहाँ किसी किस्म की प्रिपरेशन नहीं है। पिछली बार भी हमने कहा था कि हम आपसे कोई ये नहीं कह रहे कि आप उड़ी मुजफ्फराबाद वाला रोड खोलिए, आप जो है पुंछ रावला कोट वाला रोड खोलिए, आप जो है कोई चाइना से हमारा जो है मिलन करवाइए या किसी और मुल्क से। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया जो मुगल रोड है, आप कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं लाल किले से बैठ के, आप कहते हैं कि इनका दर्द हमारा दर्द है। हम तो, मैं और शाहनवाज साहब, हमने पिछली बार भी इसके लिए कहा आपको, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको कहा, हमने आपसे रिक्वेस्ट की, मेमोरेंडम लिखा है इसमें डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब को। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो डिवकॉम ऑफिस तक पहुँचाया, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस यू नो एफर्ट्स, उनके कानों तक जो नहीं रिंगती। तो ये जमहूरियत का जनाजा है, ये जमहूरियत का मर्डर है, ये जो है डेमोक्रेसी जो है, जो प्रिंसिपल कहे गए थे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वन कैन एनी वेयर मूव फ्रीली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 की वायलेशन नहीं है ये। पिछली बार भी बात हुई, इस बार भी मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए। यू आर द हाईएस्ट जस्टिस, जो चेयर है जम्मू कश्मीर में वो आप हैं, आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाइए कि जमहूरियत के चुने हुए नुमाइंदे इतनी धूमधाम से आपने इलेक्शन करवाया, इतने नैरेटिव्स आपने स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो सेल आउट किए कि हमने ये करवाया वो कराया, अब किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगी, जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ मिल गया है, फलाना कोई जो इस तरह का आर्टिकल था वो बाधा थी या इस तरह, तो अब वी आर एट पार विद द रेस्ट ऑफ नेशन। तो क्या यही है कि हम वी आर एट पार विद द रेस्ट ऑफ नेशन के हमारे लोगों को हमारे ही सड़कों पर जो है वो चलने की इजाज़त नहीं है? तो इसमें ये, इसको मैं अगर एक इंटेंशनल कंस्पिरेसी या ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस या एक डिस्क्रिमिनेशन का नाम ना दूं तो क्या दूं? कहते हैं कि अभी तो कैद हैं जज्बू की आंधियां दिल में, हमारा सब्र जो टूटा तो क़यामत होगी। शाहनवाज साहब यहाँ पर हैं, सरपंच साहब हैं, हमारे ताहिर साहब हैं, मुदस्सर साहब हैं और उमर साहब भी हैं, इसमें सरपंचिस पंचिस सिविल सोसाइटी के भी एक्टिविस्ट हैं ये, और डीडीसी मेम्बरान भी हैं। अगर आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद या इतना जो हम आज रमज़ान के पावन महीने में आज हम लोग भूख प्यास लेके अपनी अपने लोगों के लिए बैठे हैं, अगर ये रोड नहीं खोली गई तो इन कमिंग डेज वी विल चार्ट आउट सम कंक्रीट स्ट्रेटजी।
इसमें हम और शाहनवाज साहब मिलके, बाकी डीडीसी मेम्बरान रजौरी पुंछ के मिलके हम एक इसमें सॉलिड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमिन करेंगे। अगर इसमें जिस तरह शाहनवाज साहब ने कहा कि हमें फास्ट एंड टू डेथ बैठना पड़ा, हम वो भी बैठेंगे। अगर इसमें हमें किसी लेवल पर भी जाना पड़ा, लोगों ने हमें चुना, हमारे ऊपर भी लोगों का प्रेशर है, नहीं खुलती तो वो बोलते हैं कि आपको हमने किस लिए इलेक्ट किया। पुंछ के सामने आपने धरना दिया है, गुज़श्ता रोज़ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक दिन के अंदर मोल शाहरा खोल दी जाए, लेकिन इसमें इंतज़ामिया और सरकार जो है खोलने में नाकाम साबित हो रहे हैं, आपने इसी बात को लेकर धरना दिया, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि दो दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने और सोहेल मलिक साहब ने, हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश की थी कि आप रोड को खोल दीजिए। लाखों लोगों की आवाज़ है खिता पीर पंजाल के, कि जो ज़्यादती रजौरी पुंछ के साथ के लोगों के साथ हो रही है, पूरे मुल्क में रोडें खुली हैं, पूरी रियासत में सड़कें खुली हैं, ये एक अनलॉफुल एक्ट है कि आपने मुगल रोड बंद कर रखी है, और वो भी उस वक्त जब कोरोना पेंडेमिक जो है उससे पूरे देश में लोग मुबतला हैं, और हमारा रियासत भी और खिता पीर पंजाल भी इस चपेट में आया हुआ है, और इस वक्त जब हमें यहाँ से सिर्फ 3.5-4 घंटे सिर्फ श्रीनगर पहुँचने में लगते हैं, जहाँ अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, हमें रोक दिया गया है, हमारे पेशेंट्स को रोक दिया गया है कि आपको अच्छी फैसिलिटी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब 7 घंटे का सफ़र यहाँ से तय करके जम्मू जाइए, आप यहाँ से 16 घंटे का सफ़र तय करके श्रीनगर जाइए, हमारी आंखों के सामने हमारे मरीज कोलैप्स कर गए हैं, और अभी भी जो है हमारे जिस तरीके से कोविड इन्फेक्शन फैल रहा है, हमारे जो लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। हमने एलजी साहब से गुजारिश की थी, लेकिन कोई उनको जो है कान पे जूं तक सरकार को नहीं हुई, और ये हमने 2 दिन पहले जो मेमोरेंडम दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सिर्फ एक चिट्ठी डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है डिविजन कमिश्नर साहब को लिखी थी, हमारे इस पर जो हम मैंने और सोहेल मलिक साहब ने लिखी थी उसके बेस पे, लेकिन हम हालांकि डीसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये चिट्ठी जो है डिवकॉम को सबको भेजी, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सरकार ने अभी तक तो कोई फैसला नहीं लिया। आज हम एक दिन के धरने पे कोविड एसओपीज़ को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे आज साइलेंट डीसी ऑफिस पहुँच के धरने पर बैठे हैं। हम वार्न करते हैं सरकार को कि ये तो कोविड है, नहीं तो लोगों में इतना गुस्सा है कि हज़ारों लोग सड़कों पर आज सरकार के खिलाफ आते खिता पीर पंजाल में, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है यहाँ के लोगों के साथ, साजिश है। हम आज कह देना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर सड़क खोल दीजिए, अगर आप सड़क नहीं खोलेंगे तो हम और इस लड़ाई को अग्रेसिव बनाएंगे। हम जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खिता पीर पंजाल के लोग हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो भी इकट्ठी आएगी, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, सब मिल के हम आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे और इस लड़ाई को हम और आगे ले जाएंगे, तब तक जब तक ये सरकार को ये बात समझ ना आए कि लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना नहीं चाहिए और मुगल रोड फौरी तौर पर खोल देनी चाहिए। अगर सरकार इसमें भी धरने के बाद भी सरकार पर कोई असरअंदाज या कोई ऐसा बात सामने नहीं आती कि सरकार इस पर कोई संजीदगी में जाहिर करे, तो उसके बाद आपका क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, अगर ऐसा होता है तो इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये जो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, वी आर द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, और हम इस वी आर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक्चुअली खिताब रजौरी पहुँच के जो DDC मेंबर्स हैं या BDC चेयरपर्सन से यही सरकार है यहाँ की, और जब हम कह रहे हैं, लाखों लोग कह रहे हैं कि ये रोड खोलिए, तो इसका मतलब सरकार डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। फिर आपने किस लिए ये इलेक्शन करवाए? फिर आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दीजिए, आप कहिए यहाँ डिक्टेटरशिप चलेगी, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। इसलिए हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर इन्होंने रोड नहीं खोली, हम और अग्रेसिव तरीके से हम भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, हमें चाहे किसी हद तक भी जाना पड़े, हम अपने लोगों की इस लड़ाई को लड़ेंगे। शुक्रिया।